अगला प्रश्नावली है 2G.4। प्रश्न है कि श्रेणियों के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें जो श्रेणियां दिख रही है यह मूलतः गुणोत्तर श्रेणी तो नहीं है, लेकिन इसमें हम कुछ जोड़कर घटाकर या गुणा भाग करके इसे हम गुणोत्तर श्रेणी में बदल सकते हैं और फिर हम इसके n पदों का योगफल जो हमें ज्ञात करने कहा गया है वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 6 धन 66 धन 666 धन 6666 इस तरीके से आपको n पद दिए गए हैं। अब ये गुणोत्तर श्रेणी में तो नहीं है। इस तरीके के जितने भी प्रश्न होते हैं जिसमें ये जो 6 है इसके स्थान पर कोई दूसरी संख्या लेकर के बनाया गया, जैसे कि 5, 55, 555 इस तरीके से भी पद दिए गए हों, तो सबसे पहले हम उसमें से 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये मिल जाएगा 1 धन 11 धन 111 धन 1111। इस तरीके से हमें मिलेगा n पद मिल जाएगा। अब अभी भी देखेंगे तो इसमें ना तो यह समांतर श्रेणी है ना ही यह गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसके लिए आप 9 का गुणा कीजिए और 9 का भाग कीजिए। तो जब 9 का गुणा अंदर कर देंगे तो मिल जाएगा 9 धन 99 धन 999। इस तरीके से हम जा रहे हैं n पद तक हमें लिखना है। फिर ये 6/9 और आप 9 को लिख सकते हैं 10 ऋण 1। इसी तरीके से 99 को आप लिख सकते हैं 100 ऋण 1। तो मैं 100 को 10^2 लिख रहा हूँ, फिर ये ऋण 1। 999 को आप 10^3 ऋण 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको आगे भी n पद मिल जाएंगे। अब ये जो श्रेणी है इसमें प्रथम पद, प्रत्येक पद के प्रथम पद को अलग कर लेते हैं और द्वितीय पद को अलग योग कर लेते हैं। अब देखिए कि यह गुणोत्तर श्रेणी में आ चुका है। 6/9 10 धन 10^2 धन 10^3 इस तरीके से हमें n पद निकालने हैं और फिर ऋण एक इस तरीके से n बार। तो ऋण चिन्ह बाहर ले लेंगे तो 1 धन 1 धन 1 ये n बार या n पद हमें मिल रहे हैं। आगे ये हो गया 6/9। अब देखिए कि यह गुणोत्तर श्रेणी है 10 10^2 10^3। प्रथम पद 10 है, सार्वानुपात भी 10 है, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल a(r)(n-1)r-1 इस सूत्र का उपयोग करेंगे। a(r)(n-1)r-1 एक को आप n बार जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा n। इसे सरल करेंगे तो 10 में 1 घटाएंगे मिल जाएगा 9। तो आगे लिख सकते हैं 6/9 और फिर ये है 10/9 और यहाँ पर 10^n-1 और फिर ये माइनस n है। आगे इस पद को 6 को भी 3 से भाग दे सकते हैं, 9 को भी 3 से भाग दे सकते हैं। तो आगे सरल करने पर आप इसे लिख सकते हैं 2/3 × 10/9 और 10^n-1 और फिर ये ऋण n। और यही उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था, जिसमें हमें इस दिए गए श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना था। अब फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। 0.07 + 0.77 + 0.777 + 0.7777 इस तरीके से हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 0.7 0.77 + 0.7777 0.7777 इस तरीके से यह n पदों तक है, हमें इसका योग ज्ञात करना है। ये ना तो समांतर श्रेणी में है और ना ही गुणोत्तर श्रेणी में है, लेकिन इसमें कुछ संक्रिया उपयोग करके हम गुणोत्तर श्रेणी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहले तो ये दशमलव में जो लिखा गया है इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो 0.7 को आप लिख सकते हैं 7/10, इसको लिख सकते हैं 77/100, इसको लिख सकते हैं 770/1000। इस तरीके से n पद हमें
मिलेगा या एन पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यदि इसमें से हम तो इस पद में आप यदि 7 को कॉमन ले लेंगे उभयनिष्ठ, तो ये मिलेगा 1/10, 11/100 को आप 10 का घात 2 लिख सकते हैं। इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा 111 और ये 10 का घात 3। इस तरीके से एन पद का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी में बदलने के लिए पूर्व प्रश्न की भांति हम इसमें 9 का गुणा करेंगे और 9 का भाग करेंगे। तो इस तरीके से हमें आगे पद मिल रहा है, एन पदों तक हमको एन पद तक निकालना है। अब इसको हम फिर से लिख सकते हैं, 1 ऋण 1/10 सरल करेंगे तो लघुत्तम समापवर्त आएगा 10 और 10 ऋण 1 करेंगे मिल जाएगा 9। तो 9/10 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 99/10 का घात 2 इसे हम लिख सकते हैं 1 ऋण 1/10 का घात 2। इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है 1 ऋण 1/10 का घात 3। इस तरीके से एन पद ब्रैकेट में जो पद है इसके सभी के प्रथम पद को एक तरफ योग कर लेते हैं और दूसरे पदों को योग कर लेते हैं। ये 7/9 और 1 ÷ 1 ÷ 1 ये एन पद तक है। फिर माइनस अगर आप कॉमन लें तो ये 1/10, 1/10 का घात 2, 1/10 का घात 3। इस तरीके से एन पद यहाँ पर भी होंगे। एक को आप एन बार जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको एन। ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1/10 है और सार्वानुपात भी 1/10 है। तो ए 1 - r^n अपॉन 1 - r, ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा ये 7/9, ये n माइनस, इसको जब हल करेंगे तो मिल जाएगा 9/10, ये 1/10 और फिर ये 9/10 और अंश में जो है ये 1 ÷ 1/10 का घात n। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है ये है 7/9 n ऋण 1/9 और 1 ÷ 1/10 का घात n, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद 64, सार्वानुपात 2 तथा n पदों का योगफल 127 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए जो राशियाँ दी गई होती है उसे हम पहले लिखते हैं और फिर जो अज्ञात राशि है उसके बीच संबंध का उपयोग करके सरल करते हैं। तो इसमें हमें लिखना होगा कि माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वानुपात आर है। प्रश्नानुसार आर का जो मान है यह 2 दिया गया है और एन पदों का योगफल 127 दिया गया है। तो इससे आप लिख सकते हैं कि a ✕ r^(n-1)/r-1=127। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है, r का मान इसमें हम रख देते हैं तो मिल जाएगा a ✕ 2^(n-1)/2-1)/2-1=127। सरल करने पर मिलेगा a ✕ 2^(n-1)=127। ये समीकरण 2। अंतिम पद 64 दिया गया है। गुणोत्तर श्रेणी में यदि n पद हो तो अंतिम पद ar^(n-1) होगा और ये 64। r का मान 2 प्रश्न में दिया गया है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a ✕ 2^(n-1)=64। मान लेते हैं कि ये समीकरण 3 है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दें तो हमें मिलेगा a ✕ 2^(n-1)/a ✕ 2^(n-1)=127/64। a और a कैंसिल हो जाएगा
तो आगे आपको मिल रहा है 2 का घात n और फिर माइनस 1, और यहाँ पर 2 का घात में है n ऋण 1, ये 127/64 है। सरल करने के लिए हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 64 से इसका गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 64 × 2 का घात n फिर ऋण 64 बराबर 127 और ये 2 का घात n ऋण 1। अब ये जो 64 है इस पद को राइट में पक्षांतर कर लेते हैं और 2 का घात वाले जो पद है उसको लेफ्ट राइट पे ले लेते हैं, तो ये 64 और 2 का घात n ऋण 127 और 2 का घात n ऋण 1 बराबर 64। यहाँ से यदि दोनों पदों से आप 2 का घात n ऋण 1 को कॉमन लें तो यहाँ पर अगला पद होगा 128 और ये जो पद होगा यह है 127, इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 64 इस तरीके से। 128 में 127 घटाएंगे बचेगा 1, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2 का घात n ऋण 1 बराबर 64 और 64 को आप लिख सकते हैं 2 का घात 6। दोनों संख्याएं समान हैं, आधार समान है तो घात भी समान होंगे, n ऋण 1 बराबर 6, तो यहाँ से आपको मिल रहा है n बराबर 6 × 1 = 7 और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 7 है और 6 पदों का योगफल 63, श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A है, सार्वानुपात R है और हमें यह पता है कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल A इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है जब r का मान 1 से बड़ा होता है। तो प्रश्न में दिया गया है कि 3 पदों का योगफल, तो S3 लिखेंगे, A r का पावर n मतलब 3 और ये माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 और इसका मान 7 दिया गया है। इसी तरीके से 6 पदों का योगफल, ये A r का घात 6 और फिर ये ऋण 1 और ऋण आर ऋण 1 और ये 63, ये समीकरण 2। आर का मान याद करने के लिए समीकरण 2 में समीकरण 1 का हम भाग कर देंगे। भाग करने से आर का घात 6 ऋण 1 और ये आर का घात 3 ऋण 1 ये पद होगा और ये ए और ये ए कैंसिल, आर माइनस 1 और आर माइनस 1 कैंसिल और 63/7 आपको मिल जाएगा 9। अब आगे कि ये r का घात 6 है, इसे आप r का घात 3 ऋण 1 और r का घात 3 × 1 इस तरीके से लिख सकते हैं और ये r का घात 3 ऋण 1 हर में पहले से है, ये बराबर 9। ये r का घात 3 ऋण 1 ये पद और ये पद कैंसिल हो जाएंगे, हमें आगे मिल रहा है r का घात 3 ऋण r का घात 3 × 1 बराबर 9, आर का घात 3 बराबर 8, ये इसको पक्षांतर कर देंगे तो घट जाएगा उस तरफ जा करके और इसे आप लिख सकते हैं 2 का घात 3, तो आर का घात 3 बराबर 2 का घात 3 है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आर बराबर 2। आर का मान हमें मिल चुका है 2। समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं, समीकरण 1 से ए आर का घात 3 मतलब 2 का घात 3 ऋण 1 बटे 2 ऋण 1 बराबर 7, 2 ऋण 1 करेंगे तो आएगा 1, 2 का घात 3 8 और 8 में 1 घटाएंगे आएगा 7, तो 8 × a बराबर 7 × a बराबर 7, तो इसे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 1, 7 इधर गुणा इधर भाग करेंगे तो a का मान आपको मिल गया 1। गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करने के लिए प्रथम पद या a चाहिए और r चाहिए, दोनों मिल गए तो आप गुणोत्तर श्रेणी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अभीष्ट गुणोत्तर श्रेणी a r स्क्वायर a r क्यूब
एंड सो ऑन, और यही श्रेणी है जो हमें ज्ञात करना था। अब अगला प्रश्न, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 6 पदों का योगफल उस श्रेणी के प्रथम 3 पदों के योगफल से 9 गुना है, सार्वानुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए हमें पुनः लिखना होगा कि माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वानुपात आर है, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। फिर यह कहा गया कि गुणोत्तर श्रेणी के 6 पदों का योगफल उसके प्रथम 3 पदों के योगफल से 9 गुना है। गुणोत्तर श्रेणी के 6 पदों का योगफल उसके प्रथम 3 पदों के योगफल का 9 गुना है। तो इस तरीके से S6 इक्वल टू 9 इंटू S3 हमें मिल जाएगा। S6 गुणोत्तर श्रेणी के 6 पदों का योगफल A R का पावर 6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इक्वल टू 9 इंटू A R का पावर 3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। 3 पदों का योगफल, इस n का जगह हम 3 रख देंगे, 6 पदों का योगफल, n का जगह हम 6 रख देंगे। तो ये R माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये A और ये A कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो पद बच रहा है ये है R का घात 6 ऋण 1 बराबर 9 गुना R का घात 3 ऋण 1। R का घात 6 ऋण 1 को आप लिख सकते हैं R का घात 3 धन 1 गुना R का घात 3 ऋण 1। पूरे पदों को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, माइनस 9 गुना R का घात 3 ऋण 1 बराबर 0। R का घात 3 ऋण 1 ये दोनों पदों पर है, यदि हम इसे उभयनिष्ठ निकाल लें तो अगला जो पद होगा ये है R का घात 3 धन 1 और ये ऋण 9 इक्वल टू 0 बराबर 0। आगे सरल करेंगे तो मिलेगा R का घात 3 ऋण 1 और ये R का घात 3 ऋण 8 बराबर 0। तो पहले को यदि प्रथम पद को यदि हम सॉल्व करें R का घात 3 ऋण 1 बराबर 0 तो R का घात 3 बराबर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा R बराबर 1। और ये तो पहली स्थिति थी, और जब R का घात 3 ऋण 8 बराबर 0 है तो यहाँ से मिलेगा R का घात 3 बराबर 8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R बराबर 2। तो R का मान 1 मिल रहा है और R का मान आपको 2 मिल रहा है, लेकिन R बराबर 1 दिए गए प्रतिबंध का पालन नहीं करता। या फिर दूसरे शब्दों में कि जो शर्त दी गई है वह उसका वह फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अतः अभीष्ट उत्तर या फिर अभीष्ट सार्वानुपात जो है ये R बराबर 2, यह इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी या दिए गए श्रेणियों के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं और फिर गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए पहला प्रश्न जो दिया गया है ये 1 - 1/3 + 1/9 - 1/27 इस तरीके से आगे पद हमें दिए गए हैं, अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि प्रथम पद का मान 1 है, सार्वानुपात का मान 1/-1/3 है। दूसरे पद में पहले पद का भाग दीजिए या फिर तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दीजिए, आपको यह मिल जाएगा। और यह मान चूंकि ऋणात्मक है इसलिए यह 1 से छोटा है। अब चूंकि अनंत पदों का योगफल ज्ञात करने कहा गया है तो यह मायने नहीं रखता। आगे हम देखते हैं कि हमें योगफल जो निकालना है यह अनंत पदों का योगफल निकालना है। तो ये इसे हम एस इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है ए अपॉन 1 - R और ए का मान है 1, 1 - R और R का मान है -1/3।
आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा वन अपॉन ये वन प्लस वन बाई थ्री, सॉल्व करेंगे मिल जाएगा फोर बाई थ्री, और आगे हल करेंगे तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू मिल जाएगा थ्री बाई फोर, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगली श्रेणी दी गई है 0.9 धन 0.03 धन 0.01, इस तरीके से पद हमें दिए गए हैं और इसके अनंत पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो 0.9 0.03 और फिर 0.001, इस तरीके से एक गुणोत्तर श्रेणी है, इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए या प्रथम पद जो है ये 0.9 है, अगर आप इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो 9/10 लिख सकते हैं। अब सर्वानुपात दूसरे पद में पहले पद को भाग कर देते हैं, तो 0.03 अपॉन 0.9, या फिर इसको लिख सकते हैं 3/100, क्योंकि दशमलव को हम दो स्थान के बाद लगा रहे हैं इसलिए इसके बटे में हम दो जीरो वाला पद अर्थात 100 से भाग देंगे। फिर ये जो 9 या 9 है 0.9 है तो इसे मैं 9 लिख रहा हूँ और इसे भाग दे रहा हूँ 10 से, तो ये 10 का एक शून्य और ये एक शून्य कैंसिल हो जाएगा एक, और सरल करने पर आपको मिल जाएगा 1/30। ए का मान मिल चुका है, आर का मान मिल चुका है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है ए अपॉन 1 - r। ए का मान है 9/10 और 1 - r, तो 1 - 1/30। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 9/10, लघुत्तम समापवर्त 30 ही आएगा और 30 में एक घटाएंगे बच जाएगा 29, तो ये 29/30। इसको कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से 1, तो 9 * 3 = 27, 27/29। तो इस दिए गए गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल जो हमें ज्ञात करना था ये है 27/29। अगली श्रेणी दी गई है वर्गमूल 2 - 1 धन 1 धन वर्गमूल 2 - 1, इस तरीके से अनंत पद दिए गए हैं। तो ये वर्गमूल 2 - 1 और फिर ये 1 और फिर ये वर्गमूल 2 - 1, ऐसे पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि प्रथम पद है वर्गमूल 2 - 1 और वर्ग सर्वानुपात r का मान 1/√2 - 1 है। यदि इसका आप परिमेयकरण करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए हर के संयुग्मे के साथ गुणा व भाग करना होगा। तो वर्गमूल 2 - 1 वर्गमूल 2 - 1 हल करेंगे तो मिल जाएगा वर्गमूल 2 - 1, ये a धन b, a ऋण b, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, उस तरीके से 2 - 1 आएगा और 2 - 1 = 1। तो इस तरीके से r का जो मान है ये मिल रहा है वर्गमूल 2 - 1। a का मान मिल चुका है, r का मान मिल चुका है और हमें अनंत पदों का योगफल निकालना है, ये होता है a अपॉन 1 - r। तो a का मान वर्गमूल 2 - 1 और 1 ऋण r, r का मान है वर्गमूल 2 और ऋण धन 1। इस तरीके से वर्गमूल 2 - 1, ये 1 और 1 जोड़ेंगे मिल जाएगा 2, 1 और 1 को मिल जाएगा जोड़ेंगे मिल जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 2। ये उत्तर है। यदि इसे आप और सरल करना चाहें तो हर का आपको परिमेयकरण करना होगा। तो वर्गमूल 2 - 1 2 ऋण वर्गमूल 2, तो इसके संयुग्मी के साथ गुणा व भाग कर देंगे। तो इस वर्गमूल 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 2 से करेंगे मिल जाएगा 2, 1 का गुणा 2 से करेंगे मिलेगा 2 और 1 का गुणा वर्गमूल 2 से करेंगे मिल जाएगा वर्गमूल 2। अब a ऋण b, a धन b, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, तो 2 का वर्ग करेंगे मिल जाएगा 4 और वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे मिल जाएगा 2। अब देखिए ये 2 वर्गमूल 2 और ये वर्गमूल 2 दोनों को जोड़ेंगे मिल जाएगा 3 वर्गमूल 2, 2 और 2 मिल जाएगा 4 और 4 में 2 घटाएंगे मिल जाएगा 2। तो यह अभीष्ट उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था, या यूँ कहें कि इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योगफल है ये हमें मिलेगा 3√2 - 4/2। अगला प्रश्न है 2/3 - 4/9 - 8/27, इस तरीके से
श्रेणी दी गई है, इसका भी हमें अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये श्रेणी यहाँ से हम लिख सकते हैं, ए का मान है 2/3, आर का मान है 4/9 को भाग देंगे 2/3 से, या फिर 4/9 गुना 3/2, तो 2 × 4 और 3 × 9 इस तरीके से मिल जाएगा आपको 2/3। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल a/(1 - r), a का मान है 2/3, 1 ऋण r, और r का मान है 2/3। ये 2/3 इसको सरल करेंगे तो 3 ऋण 2 = 1, 1/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2। तो इस गुणोत्तर श्रेणी के या इस गुणोत्तर श्रेणी का जो योगफल है या अनंत पदों का योगफल है यह 2 है। निम्न श्रेणियों के योगफल अपरिमित पदों तक ज्ञात कीजिए। तो अभी जो हमें श्रेणी मिलने वाली है वह सीधे तौर पर तो बिल्कुल आपको यह प्रतीत नहीं होगा कि यह गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें प्रश्न दिया गया है 4/7 ऋण 5/7² (+4/7³) - 5/7¹⁴, इस तरीके से पद दिए गए हैं। तो इसे हल करने के पहले हम प्रश्न को लिखते हैं, ऋण 5/7¹⁴ इस तरीके से अनंत पद हैं। तो ध्यान दीजिए कि यदि हम एकांतर क्रम में पदों को लें, पहला पद और तीसरा पद, तीसरे के बाद पांचवा पद, इसी तरीके से दूसरे पद के बाद यदि हम चौथे पद को लें और इसके बाद जो अगला आने वाला छठवां पद है, इसको देखा जाए तब यह गुणोत्तर श्रेणी में आपको दिखाई देगा। तो हम एकांतर क्रम में पदों को एक साथ लिख लेते हैं, जैसे कि ये 4/7 है, फिर 4/7³ है, फिर 4/7¹⁵ मिलेगा, इस तरीके से आगे आपको पद मिलेंगे। फिर माइनस साइन, अब ये ऋण वाले पदों में माइनस को हमने कॉमन ले लिया है और फिर पदों को लिख रहे हैं, 5/7¹² + 5/7¹⁴ - 5/7¹⁶, इस तरीके से ये आगे आपको पद मिलते जाएंगे। यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसके अनंत पदों का योगफल के लिए जो सूत्र है S∞ = a/(1 - r), उसका हम उपयोग करते हैं। तो ये a/(1 - r). इसी तरीके से ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसके अनंत पदों का योगफल तो ये मिल जाएगा 5/7² और फिर a - r 1 - r, तो ये 1 - 1/7² तो इस तरीके से इसको हमें आगे सरल करना है। यहाँ से हमें ये मिला, फिर ये, और इसे और आगे सरल करें तो ये 4/7, और इसे जब हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 48/49, ये 48/49। इसी तरीके से पहला ये पद है 5/7² और फिर इसे भी आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 48/49। तो दोनों पदों में यदि हम 49/48 को बाहर या कॉमन ले लें, उभयनिष्ठ ले लें, तो अगला पद होगा 4/7 ऋण 5/7² सीधा मैं 49 लिख रहा हूँ। फिर ये 49/48 लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो मिल जाएगा 49, 49 को 7 से भाग देंगे आएगा 7, और 7 का 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 28, और फिर ये ऋण 5। तो ये 49/48 और फिर ये 23/49, 49 और 49 कैंसिल हो जाएगा, 23/48 ये हमें प्राप्त हो रहा है, और यही इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पूरे पदों का योगफल है। अगला प्रश्न है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है 0.123 और 2 और 3 के ऊपर में डॉट लगा हुआ है, अशांत दशमलव है, अर्थात इसका मतलब ये कि 0.123 जिन अंकों पर यह दशमलव या जिन अंकों पर यह चिन्ह लगा हुआ है उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है अनंत बार। तो इस तरीके से यह संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
अब इन पदों को लेकर के हम इनका योग लिखते जाएंगे, या पहले दशमलव के बाद एक स्थान, फिर दो दो स्थान लेकर के संख्याओं का योग लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1 धन 0.,  इस एक को हमने यहाँ पर लिख लिया, ये शून्य आएगा, फिर 2, 3। अब हम तीन डिजिट को लिख चुके हैं, अब उसके बाद शून्य के बाद हम पहले तीन डिजिट लगाएंगे और फिर अगला अंक लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपको एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी मिल रही है, अनंत पदों तक हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे आप परिमेय संख्या के रूप में बदल लेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, फिर ये 23/1000 हो जाएगा। दशमलव को आप तीन स्थान के बाद में विस्थापित कर रहे हैं, इस वजह से ये यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से इस संख्या के लिए हम 5 0 लगाएंगे हर में एक के बाद, तो इस तरीके से ये अनंत पदों तक आएगा। अब 1/10 और अगले पूरे पदों में 23 है, तो उस 23 को मैं कॉमन ले लेता हूँ और फिर 1/ यहाँ पर ये 10^3 है, फिर 10^5 है, 10^5 है, फिर 10^7 है, आगे इस तरीके से आपको पद मिलते जाएंगे। ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है और इसके अनंत पदों का योगफल हम a/(1 - r) से निकाल सकते हैं। तो ये 1/10 प्लस 23 ए, तो ये 1/10^3 1 - r, तो 1/10 स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, ये 1/10 प्लस 23 इंटू ये 1/10^3, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 99 और ये 100, या फिर आप इसे 10^2 लिख सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा 1/10 धन 23/990। इन दोनों पदों से यदि आप 1/10 को उभयनिष्ठ ले लें तो ये ब्रैकेट में आएगा 1 धन 23/99। आगे हल करेंगे तो 1/10 लघुतम समय पर आएगा 99 और फिर ये 99 धन 23। हल करेंगे तो ये 1/10 गुना 122/99, ये दोनों संख्याएं सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी। सरल करने पर हमें मिल जाएगा 61/495, और यही इस संख्या का या अशांत दशमलव का परिमेय रूप है। अगला प्रश्न, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद दूसरे पद से 2 अधिक है और अनंत पदों का योगफल 50 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल का सूत्र का उपयोग किया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यह मानना होगा कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वानुपात आर है। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि पहला पद अर्थात एक, तो इसे लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम पद दूसरे पद से, यह दूसरा पद है, 2 अधिक है। तो इसे आप आगे सरल करें तो ए आर को लेफ्ट में पक्षांतर कर लीजिए, तो ए माइनस ए आर इक्वल टू 2, या फिर ए इंटू 1 - r इक्वल टू 2, ये समीकरण एक। या फिर आप यहाँ से 1 - r की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 2/a ऐसा आएगा। अब आगे कहा गया है कि इसके अनंत पदों का योगफल 50 है, अर्थात a/(1 - r) इसका मान जो है वे 50 है। यहाँ पर हमने 1 - r का मान निकाल लिया है, यहाँ पर रख देते हैं, तो ये a/(2/a) = 50। आगे सरल करेंगे तो ये जो पावर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये a²/2 = 50। सॉल्व करने पर मिलेगा a²=100, तो यहाँ से a=10 मिलेगा, प्लस माइनस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम धनात्मक मान को लेकर के चल रहे हैं।
ए का मान हमें मिल चुका है, यहाँ पे हम रखेंगे तो हमें आर का मान मिल जाएगा। तो इसे हम लिख रहे हैं कि समीकरण एक से 1 - r = 2/a या फिर r = 1 - 2/a, 1 - 2/a और a का मान है 10। तो ये 1 ऋण 1/5 सरल करेंगे तो मिल जाएगा 4/5। तो r का मान आपको मिल गया है 4/5। तो किसी गुणोत्तर श्रेणी को लिखने के लिए प्रथम पद का मान और सारणुपात का मान पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें जो श्रेणी मिलेगी, इसे लिख रहे हैं हम कि अभीष्ट श्रेणी ए 10, ए आर अर्थात इसे सरल करेंगे तो ये तो 10 है, इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 8। फिर ए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को मैं 4/5 लिख रहा हूँ, सरल करने पर आपको मिल जाएगा 32/5। तो इस तरीके से यह श्रेणी ज्ञात हो चुका है। प्रश्न में दिया गया है किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल 4 है और पदों के घनों का योगफल 192 है, हमें श्रेणी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें यह मानना होगा कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वनुपात आर है। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि इसके अनंत पदों का योगफल, तो ar² ar³ इस तरीके से ये अनंत पद जाएंगे, इसका योगफल 4 है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं a/(1 - r)=4, ये समीकरण 1। अब बाद में कहा गया कि इसके पदों के घनों का योगफल, अर्थात a^3, a^3, r^3, a^3, r^6, इस तरीके से इसके अनंत पद हैं और ये 192 है। तो यहाँ पर देखिए कि ये भी एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a³ है, तो इसके अनंत पदों का योगफल होगा a/(1 - r), तो ये r² है एक्चुअली, 1 - r³=192। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये 1^3 है और यहाँ पर ये a है, दोनों का अनुपात लेंगे और a तभी कैंसिल होगा जब हम मुझे पहले पद का, पहले समीकरण के दोनों पदों का घात 3 ले लूँ या फिर घन ले लूँ। तो इसका घन लेने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1^3 / 1 ऋण r^3 = 64। और इसे मैं समीकरण 2 नाम दे रहा हूँ और इसे समीकरण 3। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1^3 / 1 ऋण r^3। अब ये गुणे का चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा भाग जो है, और इसको अंश को हर में और हर को हम अंश में लिखेंगे, ये 192 और फिर ये 64। आगे ये a³ और a³ कैंसिल हो जाएगा, 1 - r और ये होल क्यूब अपॉन 1 - r³ है, इसे 1 - r (1+r+r²) लिखा जा सकता है। सरल करने पर ये 3 आ जाएगा, 1 - r और ये 1 - r² (1 - r) लिख सकते हैं, कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 - r^2 / 1 - r+r², और ये बराबर, ये 3 के बराबर है। अब अंश में जो पद है इसका हम वर्ग कर देते हैं तो ये मिल जाएगा 1 + r²-2r, और यदि हम इसका तिर्यक गुणा कर दें तो 3 के साथ इस पूरे पद का गुणा होगा तो मिल जाएगा 3 + 3r + 3r²। पूरे पद को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 3r² - r², ये पद और ये पद, फिर 3r और ये उधर जा करके हो जाएगा +2r, फिर ये +3 और ये -1 = 0। इसे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 2r² + 5r + 2 = 0।
यह एक वर्ग समीकरण है, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और सूत्र विधि लगा करके भी हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से यदि हल करें तो 2r² + 4r + r + 2 इस रूप में हम इसे तोड़ेंगे। प्रथम दोनों पदों से यदि हम 2r को कॉमन लें तो ये r + 2 फिर +1 r + 2 = 0। r + 2 दोनों पदों पर है, फिर अगला जो पद होगा ये 2r + 1 = 0 होगा। सरल करने पर r + 2 = 0 लें तो इसका मान मिलेगा -2, और 2r + 1 = 0 लेंगे तो r का मान -1/2 हमें मिलेगा। अब इसमें जो r का मान है इसे हम -2 नहीं ले सकते, चूंकि -2 का जो मॉड है ये 1 से या 1 से बड़ा होगा। अतः हम r बराबर -1/2 का उपयोग करेंगे। अब इसका जो मान है समीकरण एक में रख देते हैं, ये समीकरण एक है, r का मान रख देंगे तो a बटे 1 ऋण 1 बटे 2 बराबर 4। ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा, 1 धन 1 बटे 2 तो ये 3/2, तो a बराबर 4 × 3/2। तो यहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा 6। r का मान मिल चुका है, a का मान मिल चुका है, अब हम गुणोत्तर श्रेणी लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे कि अभिष्ट गुणोत्तर श्रेणी a मतलब 6, ए आर तो 6 × ऋण 1/2 करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 3, फिर इसमें ऋण 1/2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 3/2। तो इस तरीके से जो गुणोत्तर श्रेणी मिल रही है यही हमें ज्ञात करना था।